ये स्कार आपके नोज के ऊपर है, कितने दिनों से है? बहुत पहले से, लगभग फिर भी कितने सालों से लगा? 2 इयर्स। कैसे लगा था? चोट लगा था तो उस समय स्टिच भी कुछ लगाया गया था क्योंकि मार्क्स दिख रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी ये निशान है। अभी हम लोग इसमें स्कार रिवीजन सर्जरी करेंगे विद CO2 लेज़र, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये स्कार एकदम ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, नहीं दिखे। लोकल एनेस्थेसिया में ये सर्जरी करेंगे हम लोग, 20-30 मिनट्स का टाइम लगेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। इस जगह पे स्कार में हमेशा अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ एरिया होता है जहाँ स्कार में रिजल्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो रूट ऑफ द नोज़ का एरिया है, यहाँ स्कार रिविजन सर्जरी हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देता है, प्रेडिक्टिव रिजल्ट देता है रादर, कि अगर प्रॉपर तरीके से रिपेयर किया जाए और सारा कुछ मेजर्स यूज़ किया जाए स्कार रिविजन सर्जरी में, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है विथ लेजर सर्जरी, तो रिजल्ट अच्छा होता है। तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी स्कार रिविजन माइक्रो सर्जरी कंप्लीट हो गई है, क्लोजर इन 3 लेयर्स, और अभी इसके ऊपर हम लोग CO2 लेज़र रिसर्फेसिंग करेंगे। ये CO2 लेज़र कर रहे हैं फॉर रिसर्फेसिंग ऑफ द मार्जिन्स। एक वीक पहले आपकी स्कार रिविजन सर्जरी हुई थी, यहीं पे नाक के ऊपर एक बड़ा सा डिप्रेस्ड स्कार था, बचपन से था आपका। अभी ये स्कार खत्म हो गया है, अब देखिए कैसा लगा। अच्छा लग रहा था बचपन से स्कार, और अचानक से खत्म हो जाना, इस तरह का स्कार चेहरे पे कई बार आपकी आइडेंटिटी बन जाती है ना। लोग इस स्कार को आपके साथ याद रखते हैं कि वही जिसके नाक पे स्कार है, मतलब ऐसा कई बार लोग मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में उस स्कार को बताते हैं। तो हम जो स्कार रिविजन सर्जरी करते हैं या आप में जो किए हैं, स्कार रिविजन सर्जरी अलॉन्ग विथ CO2 लेज़र, तो उसके इफेक्ट से स्कार लगभग ख़त्म हो जाता है। और आपके केस में जैसा हम बताए थे कि ये स्कार एकदम ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी इस पर नहीं ढूंढ पाएंगे कि यहाँ कोई स्कार था। वो आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, ये होगा अब 2 वीक्स के बाद जब आएंगे तो शायद ही यहाँ पे कुछ दिखेगा। तो अच्छा रिजल्ट है, सिर्फ एंटी स्कार जेल, सनस्क्रीन, वो सारा कुछ यूज़ करना है, और सन एक्सपोजर और ईच करना, स्क्रैच करना, इसको अवॉइड करना है। ठीक है,